अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान साद, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। आदाब मौसीज़ नाज़रीन, आज़ाद न्यूज़ हैदराबाद में आप तमाम का खैर मकदम है। आज सूर्यापेट तुंगातुर्ती से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। वाईएसआर शर्मिला मैडम की क़यादत में दलित भाइयों के लिए इस मौके पर जनाब सैयद अब्बास साहब, जनाब सलमान साहब और जनाब यूसुफ साहब भी मौजूद थे। दलित भाइयों के लिए राजशेखर रेड्डी बहुत हमदर्दी रखते थे, इसी तरह से शर्मिला मैडम भी दलित भाइयों के लिए हमदर्दी रखती हैं। इसी के चलते आज एक रैली लोटस पॉइंट से होते हुए ये रैली निकाली गई और एक अजीम तर जलसे का भी इनेकाद किया गया, जिसमें शर्मिला मैडम ने दलितों के लिए जो नाइंसाफी हो रही है इसके बारे में रोशनी डाली। इस रैली में हजारों कारें और पैदल सवार शहरियों ने लाखों की तादाद में शिरकत की। गाजे बाजे के साथ ये रैली निकाली गई। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए मतीन साहब ने चंद बातों पर रोशनी डाली, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। पेश है आज़ाद न्यूज़ हैदराबाद से ये खसूसी रिपोर्ट। आज एक बहुत ही बड़ी मीटिंग शर्मिला अक्का की सूर्यापेट तुंगातुर्ती में है, दलितों के वास्ते है, दलित भाइयों के लिए। जो राजशेखर रेड्डी साहब एक हमदर्दी रखते थे, आज शर्मिला अक्का भी दलित भाइयों के लिए वही हमदर्दी रखती है। एक बहुत ही बड़ी रैली यहां से लोटस पॉइंट से होते हुए वहां तक जहां जलसा हो रहा है वहाँ तक एक बहुत ही अजीमुशान रैली जा रही है और वहाँ पर जाकर एक बहुत ही बड़ा अजीमुशान जलसा मुनक़द होगा, जिसमें शर्मिला मैडम मुखातिब करेंगी और दलितों के लिए जो नाइंसाफ़ी हो रही है, केसीआर साहब जो दलितों के लिए वादा किए थे, दलितों के लिए 6.5% रिजर्वेशन से बढ़ा के 9.8% रिजर्वेशन करते बोले थे केसीआर साहब, लेकिन इतने साल हो गए हैं, 8 साल केसीआर साहब, क्या हुआ आपके वो वादे का? दलितों के लिए 3 एकड़ ज़मीन का भी आपने वादा किया था, वो वादा क्या हुआ केसीआर साहब? 3 एकड़ ज़मीन का वो भी आज तक आप पूरा नहीं करे। आप सबके साथ नाइंसाफ़ी करते हुए आए, दलितों के साथ नाइंसाफ़ी करे, एससी के साथ नाइंसाफ़ी करे, एसटी के साथ नाइंसाफ़ी करे, माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी करे। माइनॉरिटीज से भी आपने 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, लेकिन उसको भी वादा किए हुए आज 8 साल हो गए हैं केसीआर साहब, वो वादा भी आपका पूरा नहीं हुआ। आपके दिन आ चुके हैं, थोड़े ही दिन में चंद साल है कि आप देखें हमारी शर्मिला का सीएम बनेंगी और जो भी अधूरे आप लोगों के वादे हैं और जो आप लोग नहीं कर सके, राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में जैसा गोल्डन पीरियड था, शर्मिला का आते ही वही गोल्डन पीरियड आएगा और इंशाल्लाह ताला 2023 की सीएम शर्मिला का होंगी। शुक्रिया। हैप्पी फ्यूचर्स टूर्स एंड ट्रेवल्स, इंजन बोरी रोड अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन। सर्विसेज ए टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल इस्टेट्स, बिल्डर्स डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विसेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट फरहान अली खान 8106786291। आज़ाद न्यूज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वॉइस ऑफ ट्रूथ, आज़ाद न्यूज़।